हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। लंका में हर रोग के निष्णांत राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव शब्द कर्महीन कारों के शब्दकोश में हो सकता है। अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना कर्मवीरों का कर्तव्य है। प्रभु आप इतने शोक संतप्त हो जाएंगे तो सूर्य का तेज बुझ जाएगा, शशि श्रीहीन हो जाएगा। हे धैर्य मूर्ति, हे करुणा निधान, आपने तो सदा दीन जनों के आंसू पोंछे हैं। आपकी संवेदना का संबल पाकर ही निराशा में डूबते प्राणी नवजीवन की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आप इतने निराश, इतने अधीर हो जाएंगे। महाराज विभीषण, जीवन में कभी वो अवसर आ जाता है जब ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से परे शून्य अवस्था में पहुंचकर सुन्न हो जाता है। इस समय मैं उसी चैतन्यहीन अवस्था में हूं। मुझे न जीत का भान है न हार की अनुभूति। प्रभु आप परम ज्ञानवान हैं, आपके लिए तो हर स्थिति में जीत और हार एक समान है। अनुराग और वैराग्य के मध्य स्थित प्रज्ञ है। प्रभु हर जीवन का आदि जन्म और अंत मरण होता है। कैसा मरण, किसकी हार? निराशा की पराकाष्ठा का नाम ही हार है। हार को हार मानना हार है। जामवन जी आप तो सबसे वृद्ध और विद्या के ज्ञाता गुणवान हैं, क्या आप भी वीरवर लक्ष्मण को उड़ते हैं निष्प्राण मानते हैं? शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग प्रक्रियाहीन हो चुका है, शिराओं की चेतना शून्य हो गई है, किंतु अत्यंत क्षीण गति से चलती हृदय गति में डूबती श्वास शेष होने की पूरी संभावना है। फिर भी हम निराशा में डूबे निष्क्रिय निरुपाय बैठे हुए हैं, केवल विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के निश्चेष्ट शरीर में चेतना जगाने का कोई उपाय नहीं कर रहे। युद्ध भूमि में जहां एक ओर अथाह सागर है, दूसरी ओर प्रबल शत्रुदल। हनुमान, उपचार का उपाय होगा भी कैसे? उपाय है भी तो असंभव है हनुमान जी। असंभव शब्द कर्महीन कारों के शब्दकोश में हो सकता है। अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना कर्मवीरों का कर्तव्य है। उस असंभव उपाय को बताइए तो सही। विभीषण जी, लंका में हर रोग के निष्णांत राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। लंका में कहां निवास है उनका? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है।
उनका वास सदा वही होता है। प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा मैत्रीराज को। जैसे तुम्हारी इच्छा हनुमान, शत्रु के गढ़ में जा रहे हो, हमें चिंता रहेगी, सावधानी से जाना। जय श्री राम। श्री हनुमान महाबली, दुख मेटन सुख दे, सूक्ष्म रूप धरि लंक में ढूंढे वेद सुषेण, ढूंढे वेद सुषेण। लगता है यही वैद्यराज हैं। श्रीमान जी, वैद्यराज सुषेण आप ही हैं ना? हाँ मैं ही हूँ, कहिए। कहिए क्या, चलिए। कहाँ? जय श्री राम। अरे ये क्या कर रहे हो, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ 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 बचाओ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे भाई तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? आपका कल्याण करने, सीधा प्रभु के पास। तो क्या तुम यमदूत हो? किंतु मेरी आयु अभी पूरी नहीं हुई है भाई, मरने का समय नहीं आया है। आपका पुण्य उदय हुआ है वैद्यराज, जीते जी प्रभु का सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु तुम हो कौन? मैं हनुमान। हनुमान, वही जो लंका में आकर लंका को जलाकर धूम मचाकर भाग गया था, वही हनुमान हो? हाँ श्रीमान जी, वही हनुमान। मुझे इस तरह उड़ाकर कहाँ लिए जा रहे हो? श्री राम प्रभु की सेवा में। परंतु क्यों? चलिए तो सही, वहाँ चलकर सब विदित हो जाएगा। श्री राम प्रभु को आपकी आवश्यकता है। रघुवर के सब काज कपी, कर डारे चिन माही, पवन पुत्र के कोश में शब्द असंभव नाही, शब्द असंभव।